अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, एक प्रॉब्लम है यहाँ पर वर्क पावर एनर्जी से रिलेटेड है। बॉडी ऑफ मास 6 किलोग्राम इज अंडर अ फोर्स विच काज डिस्प्लेसमेंट इन इट गिवन बाय एस इज इक्वल टू टी स्क्वायर अपॉन 4 मीटर्स वेयर टी इज टाइम द वर्क डन बाय फोर्स इन 2 सेकंड्स इज। यहाँ पर हमें जो डेटा मिली हुई है उसमें 6 किलोग्राम मास गिवन है और डिस्प्लेसमेंट के लिए जो हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है वो टी स्क्वायर अपॉन 4 है। अब अगर हम यहाँ पर टाइम टी के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें वर्क डन मालूम करना है 2 सेकंड्स के अंदर। यहाँ पर फार्मूला जो हम यूज़ करेंगे वो बेसिक हमारे पास क्या है कि डिस्प्लेसमेंट एक्स is equal to t square upon 4। अगर displacement t square upon 4 है तो velocity जो होती है वो displacement की time derivative होती है dx upon dt। x का जो value है यहाँ पर वो हमारे पास आ रहा है t power 4 t square upon 4 d upon delta t, या यहाँ पर हम लिख लेंगे dt, d यहाँ पर दिया जाएगी। तो डेरिवेशन में हम क्या करते हैं, जो पावर होता है उसको हम आगे मेंटिसा की जगह पर लेकर आ जाते हैं और इसमें से 1 माइनस करते हैं, वो एक्चुअली टी यहाँ पर वाला होता है वो कैंसिल हो जाता है, तो 2t अपॉन 4 आंसर आ गया। अगर हम यहाँ पर इस 2 की टेबल 4 पर पढ़ लें तो आंसर आ जाता है वेलासिटी का टी अपॉन 2। यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट स्टार्ट होगी वो 0 से स्टार्ट होगी, मतलब हम ऑब्वियसली इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 लेंगे, बाकी फाइनल वेलोसिटी का जो वैल्यू आ जाएगा वो टी अपॉन 2 होगा। इसका मकसद है कि अगर हम वर्क डन 2 सेकंड्स में मालूम करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर टाइम का जो वैल्यू है वो 2 सेकंड है, 2 अपॉन 2, तो हमारे पास आ जाएगा फाइनल वेलोसिटी का वैल्यू 1। अच्छा, इनिशियल फाइनल वेलोसिटी मिल यहाँ पर हमने फाइंड कर ली और इसके बाद हमारे पास ऊपर मास भी गिवन था। अब यहाँ पर जो वर्क डन मालूम करना है उसके लिए फार्मूला या मेथड कौन सा इस्तेमाल होगा, वर्क डन इज इक्वल टू 1/2 mvf² - vi² हम इसको वर्क एनर्जी थ्योरम कहते हैं। जब कभी भी कोई वर्क डन आप करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी उसमें चेंज होती है, सो 1/2 mvf² - vi² 1/2 का वैल्यू आपने लिख लिया, यहाँ पर m का जो वैल्यू है वो 6, vf का वैल्यू 1 और vi का वैल्यू 0, ये फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, बाकी आपके पास आ रहा है 3 जूल।